दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें तिलक वर्मा ने बनाए रिकॉर्ड, जी हां दोस्तों, और सूर्य कुमार यादव की चली आंधी टीम को की तरह बिखरी वेस्ट इंडीज की टीम। बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को दिल से लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। सीरीज में मेजबान वेस्ट इंडीज अब भी 2-1 से आगे है। तीसरे मैच के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। सूर्य ने ताबड़तोड़ अंदाज में फीकनी लगाई। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम ने धांसू अंदाज में वापसी की है। सीरीज के शुरुआती 2 मैच हारने के बाद तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज की, इसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की है। दोस्तों, अब भी सीरीज में वेस्ट इंडीज 2-1 से आगे है। इस मैच में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बल्ले से ऐसी आंधी चली जिसमें वेस्ट इंडीज टीम तीनों की तरह बिखर गई। सूर्या और तिलक के सामने कैरिबियन गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए। पूरी विंडीज की टीम बिखरी नजर आई। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच में वेस्ट इंडीज ने 160 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में सूर्या ने मात्र 44 गेंदों पर 83 और तिलक वर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रनों की नाबाद पारी खेलकर 17.5 ओवर में टीम को जीत दिलाई। तिलक ने डेब्यू के बाद बनाए ये बड़े रिकॉर्ड। यहाँ दोस्तों, इस पारी के बदौलत तिलक वर्मा ने धांसू रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तिलक ने इसी सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है। वो डेब्यू के बाद शुरुआती 3 मैचों में लगातार 30 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, इससे पहले वह रिकॉर्ड सूर्य कुमार ने ही बनाया था। इसके अलावा तिलक वर्मा डेब्यू के बाद शुरुआती 3 T20 मैचों की पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस मामले में दीपक हुड्डा टॉप पर हैं, जिन्होंने 172 रन बनाए थे। उसके बाद तिलक और सूर्या ने बराबर 139 रन बनाए हैं। डेब्यू के बाद शुरुआती 3 T20 मैचों में टॉप स्कोरर भारतीय हैं। 172 रन दीपक हुड्डा और 139 रन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा और 109 रन गौतम गंभीर। दोस्तों, सूर्य कुमार ने लगाया छक्कों का शतक। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही ओवरऑल 14वें खिलाड़ी बने हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा टॉप पर हैं, उन्होंने 182 छक्के जमाए हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने 173 छक्के जमाए हैं। T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज में रोहित शर्मा 182 छक्के तो विराट कोहली 117 और अब वही सूर्य कुमार यादव भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव ने लगाए हैं 101 छक्के। भारतीय टीम ने इस तरह जीता तीसरा मैच। मैच में 160 रनों के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 3 विकेट गंवाकर 17.5 ओवर में 164 रन बनाकर मैच जीत लिया। टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों पर 83 रनों की आतिशी पारी खेली। इस दौरान 4 छक्के और 10 चौके जमाए, जबकि तिलक वर्मा ने 37 गेंदों पर 49 रनों की नाबाद पारी खेली। विंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ ने 2 और ओबेड मैकॉय ने 1 विकेट लिया। मैच में वेस्ट इंडीज के कप्तान रोमन पवेल ने तो जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। इसके बाद टीम ने 5 विकेट गंवाकर 159 रन बनाए। विंडीज के लिए ओपनर ब्रेडन किंग ने 42 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली। इसके बाद कप्तान रोमन पवेल ने 19 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने 28 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल ने दोस्तों और मुकेश कुमार ने 1-1 विकेट लिया। तो इस तरह से भारतीय टीम ने तीसरे T20 में वेस्ट इंडीज को तीनों की तरह बिखेर दिया और सीरीज में शानदार तरीके से वापसी की है। तो दोस्तों, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही नॉलेज भला वीडियो मैं हर समय लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।